गधा बहुत ज्यादा रो रहा था, तभी वहाँ पर खरगोश आ जाता है जो कि उसे पूछने लगता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तब गधा उससे कहता है कि कल सिंगिंग कॉम्पिटिशन है जिसमें मैंने भाग लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें जीत पाऊंगा क्योंकि कोयल इतना अच्छा गाती है और हर बार वह ही विजेता बनती है। खरगोश कहता है तुमने पूरे साल इतनी ज्यादा मेहनत की है तो चिंता क्यों करते हो, कॉम्पिटिशन में भाग लिए हो तो सभी को गाना सुनाना, हो सकता है तुम्हारा गाना ही सबको अच्छा लगे। गधा रोना धोना बंद करता है और अगले दिन जितने भी लोग थे सभी जितने भी जंगल के जानवर पहुंचते हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन की जगह पर और वहाँ पर सबसे पहले बुलाया जाता है चूहे को। चूहा कुछ देर तक अपना गाना सुनाता है, चू 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 करता है, लेकिन वह गाना किसी को पसंद नहीं आता। उसके बाद बुलाया जाता है बिल्ली को, बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करके अपना गाना सुनाती है, लेकिन उसको भी वही लोग कहते हैं कि तुम अपने घर को जाओ, तुम्हारा गाना हमें नहीं पसंद। अब सभी लोग कह रहे थे कि कोयल को बुलाओ, कोयल को बुलाओ, हमें उसका ही गाना सुनना है, लेकिन तभी वहां पर जो कमेंटेटर बैठा हुआ था वह कहता है कि वह इस साल भाग नहीं ले रही। सभी जानवर बहुत ज्यादा निराश हो गए थे, लेकिन जो कमेंटेटर था वो कहता है रुको एक नया गायक आया है, उसका नाम है गधा। दोस्तों उसके गाना गाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भाई साहब जैसे ही गधा आता है और अपना गाना सुनाता है अपने अंदाज में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके साथ साथ गाने लगते हैं और आखिरकार विजेता भी गधू को ही घोषित किया जाता है। एक दिन जो खरगोश था वो काफी ज्यादा मजे ले रहा था, लेकिन वहीं उसका दोस्त दरियाई घोड़ा बहुत ही आलसी था जो कि वहीं पर लेटा हुआ था। खरगोश उससे कहता है यार तुम कितने ज्यादा आलसी हो, देखो कितना सारा काम पड़ा है लेकिन तुम्हें तो सिर्फ लेटना ही लेटना है। तब दरियाई घोड़ा कहता है कि यार भाई मैं क्या करूं, मैं इतना मोटा जो हो गया हूं मुझसे कुछ होता ही नहीं। तब खरगोश उससे कहता है कि यार भाई तुम दौड़ क्यों नहीं लगाते, तुम्हें दौड़ने जाना चाहिए जिससे तुम्हारा जो पेट है वो कम हो जाएगा। वो दरियाई घोड़ा कहता है कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया है पर कुछ फायदा नहीं है, जंगल के सभी जानवर मुझसे डर गए, मैं दौड़ने गया था। वे दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहां पर एक बहुत ही शैतान बंदर आ जाता है। बंदर उससे कहने लगता है कि भाई देखो दौड़ने से कुछ नहीं होता है, ऐसा पता है क्यों होता है कि हम पतले हैं, क्योंकि हम पेड़ों पर रहते हैं और पेड़ों पर रहने की वजह से हम सूरज के करीब होते हैं, अगर तुम्हें भी पतला होना है तो तुम्हें भी धूप में बैठकर अपनी मालिश करवानी होगी। वह तैयार हो जाता है और बंदर उसको धूप में ले जाकर उसकी जो खाल थी उसको खूब ज्यादा रगड़ता है, बहुत ज्यादा मलता है, इतना ज्यादा रगड़ता है कि उसकी जो दरियाई घोड़ा की चमड़ी थी वह पूरी तरीके से लाल हो जाती है। और ये सब देखकर बंदर तो वहां से खिसकने लगता है, लेकिन तभी उसकी जो दरियाई घोड़ा था उसकी मम्मी आ जाती है और बंदर को उठाकर वहां से फेंक देती है और दरियाई घोड़ा से कहने लगती है कि देखो बेटा इस संसार में जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा भगवान ने बनाया है वैसा रहने में ही हमारी भलाई है। ये बंदर यहां पर केले तोड़ रहा होता है, तभी इस खेत का मालिक आ जाता है जो कि बंदर से कहने लगता है कि तुम रुक जाओ, रोज रोज ये सब करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं तुम्हारी शरारतों से बाज आ चुका हूं, इसलिए मैं तुमसे एक विनती करता हूं कि मैं तुम्हें प्रतिदिन 10 केले दूंगा ताकि तुम ये तोड़फोड़ ना करो। बंदर उसकी बात से राजी हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी वह सोचता है क्यों ना ये मुझसे ज्यादा डरा हुआ है तो क्यों ना इसे 20 केले मांगे जाएं। वह वापस आ जाता है और जो खेत का मालिक था उससे कहता है मुझे 20 केले चाहिए, अगर नहीं दोगे तो मैं इन केलों को लटक लटक कर तोड़ दूंगा। वह राजी हो जाता है लेकिन अपने भाई से बताता है कि ऐसी ऐसी बात है यह बंदर अब 100 केले मांगने लगा है, तुम ही बताओ अगर मैं इसको 100 केले रोज दूंगा तो भला मैं क्या करूंगा। उसके भाई ने उसको एक ऐसा उपाय बताया जिसे देखकर आपको भी मजा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी मम्मी से सच्चा प्यार करते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आई लव यू मम्मी जरूर लिखिए। अगले दिन उसका भाई जो था वह जाता है उसी के कपड़े पहनकर और टोपी लगाकर और वहां पर एक बहुत ही अच्छी युक्ति लगाता है, वह रस्सी को बांध देता है और जाल को भी बांध देता है। जैसे ही बंदर आता है अपने केले मांगने के लिए कहता है कि मुझे मेरे 100 केले दो, जो खेत वाले का भाई था वह कहता है कि तुम्हारे केले वो देखो बोरे में रखे हुए हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा वजन है इसलिए मैं इनको उठा नहीं पाऊंगा, तुम ही जाओ और ले लो। जैसे ही बंदर उधर जाता है रस्सी में उसका पैर फंस जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है, उसके गिरते ही ऊपर जो पिंजरा बना हुआ था वह उसी के ऊपर गिर जाता है।